वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम लोग सॉल्विंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी, आपको आपके एग्जाम पेपर में ऐसा एक ज्योमेट्रिक फिगर या एक तरीके का फिगर ड्रॉ करके देंगे और आपको एक एंगल का मेजर दिया होगा और दूसरे पर क्वेश्चन मार्क लगाएगा। तो खड़े होकर सुपरवाइजर को पूछो मत, टीचर इसमें क्या करने का है, वो अंडरस्टूड है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसका मेजर फाइंड करना है। ठीक, एकदम सिंपल पैटर्न में चलेंगे बेटा। सबसे पहले आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट शुड नॉट बी ऑफ मोर दैन 5 lines, यानी कि पेज की 5 lines आप लोगे और उसमें ये पूरा फिगर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ड्रॉ कर दोगे, ओनली स्केल एंड पेंसिल। देन लीव अ लाइन एंड विद पेन यू विल राइट गिवन। गिवन का मतलब होता है बेटा हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, दैट इज मेजर एंगल ए ओ टी, ए ओ टी इज इक्वल्स टू 55 degrees, करेक्ट? और कुछ भी आपको दिया है इंफॉर्मेशन में नहीं, तो यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट हियर फाइंड। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, तो दैट इज जहां पर क्वेश्चन मार्क होगा, तो विच एंगल हैज क्वेश्चन मार्क, बी ओ ए, आप लिखोगे मेजर एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिग्री, करेक्ट? अब आपको दिमाग चलाना है, कैसे? देखो, सबसे पहले बी ओ ए और ए ओ टी, These are two different angles, correct? उनको join कर दिया, तो first you get common arm OA. Number two, there are two separate interiors. And number three, उनका base एक straight line में आ गया है। जब दो angles को join कर दिया जाए, they have common arm, two separate interior and the base is in a straight line, तो ऐसे angle को कहते हैं angles in a linear pair। तो अब आपको property लिखाई थी मैंने यहाँ पर, याद है? वो property लिखनी है and that property is anyone you can write of your choice, leave a line and you will write property। प्रॉपर्टी आप लिखोगे बेटा एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, करेक्ट? आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है। यू कैन राइट इवन द सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज 180 degrees। आपको जो प्रॉपर्टी अच्छी लगती है वो लिखो, बट लिखना जरूरी है। आफ्टर दैट यू विल लीव अ लाइन एंड यू विल राइट हियर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद बेटा आप लिखोगे एज पर द प्रॉपर्टी, एज पर द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी में क्या लिखा है बेटा, हमको ध्यान से पढ़ो, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स, एंगल्स का मतलब दो हो गए, करेक्ट?
तो आपको यहाँ पर दो एंगल लिखते हैं। पहला एंगल है एंगल बी ओ ए और दूसरा एंगल है एंगल ए ओ टी। यस और नो? ये दो एंगल हैं और इन दो एंगल्स को सप्लीमेंटरी कहा है। तभी अधि का मतलब ऐड करेंगे और सप्लीमेंट्री में ऐड करके आंसर कितना आता है 180 डिग्री। यस, तो अब आप सबसे पहले लिखोगे देयरफॉर मेजर एंगल बी ओ ए प्लस मेजर एंगल ए ओ टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैं क्यों लिख रहा हूं 180 डिग्री बेटा? बिकॉज अभी प्रॉपर्टी में क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दो एंगल के मेजर को ऐड करेंगे तो वी विल गेट आंसर 180 डिग्री। ये सॉल्व हो करेक्ट? अब आप बेटा जिस एंगल का मेजर पता है उसके नीचे उसका मेजर, और जिसका मेजर नहीं पता है उसके नीचे उसका नाम हूबहू कॉपी करेंगे। लाइक बी ओ ए वी डोंट नो, तो आप लिखोगे मेजर एंगल बी ओ ए प्लस ए ओ टी का मेजर कितना है 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट? और फिर बेटा इक्वेशन चैप्टर को याद करना है, ये है पॉजिटिव 55 डिग्री, तो इसे होना चाहिए था राइट में 180 डिग्री के साथ। करेक्ट? सो अब लेफ्ट में से पॉजिटिव 55 जब राइट में चला जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव। तो आपका अगला स्टेप होगा मेजर एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पॉजिटिव 55 डिग्री राइट में जाकर बन जाएगा नेगेटिव 55 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू, आप रफ कॉलम में जाओगे 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री करोगे आपको आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। एक लाइन लीव करके बेटा आंसर मेजर एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। क्लियर? एकदम सिंपल सम था। सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन के बाद फाइंड, फाइंड के बाद प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कहती है लीनियर पेयर्स के अंदर जो दो एंगल हैं उनके मेजर को आप प्लस कर दो, और प्लस करके आंसर कितना आना चाहिए हमेशा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोगों ने उन दो एंगल्स का नाम लिखा और बीच में प्लस साइन लगाया, बिकॉज सप्लीमेंटरी, अरि का मतलब प्लस करना होगा, तो हमने प्लस साइन लगाया, और सप्लीमेंट्री में ऐड करके कितना आंसर आता है 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए ओ टी के नीचे 55 डिग्री, लेफ्ट में पॉजिटिव 55, राइट में जाकर बन जाएगा नेगेटिव 55, 180 में से 55 माइनस किया 125, और आपका आंसर आ गया सिंपल। तो इस तरीके से बेटा आपका पहला सम सॉल्व हो गया। इसके अगले वीडियो में वी विल सॉल्व द नेक्स्ट सम। याद रखना बेटा ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, these all are my own prepared question, so please textbook खोल के मत देखना किधर है किधर है, चुपचाप videos को follow करना and see to it कि आप जो सिखाया जा रहा है उसे strictly समझे और बाद में copy करें। fine।